संदिग्ध हालत में झोपड़ी में लगी आग, आग से मां बेटी की जलकर दर्दनाक मौत। जिला प्रशासन पर झोपड़ी में आग लगाने का आरोप, पिता गंभीर रूप से झुलसा, पत्नी बेटी की मौत। बंजर जमीन पर बने मंदिर को गिराने पहुंचा था प्रशासन, मंदिर की देखभाल करता था पीड़ित गरीब परिवार। डीएम समेत प्रशासन पर आग लगाकर हत्या का आरोप। घटना के बाद प्रशासनिक अधिकारी गाड़ी छोड़कर भागे। तहसील प्रशासन ने जबरन गिराया था पीड़ित का मकान। मकान गिरने के बाद झोपड़ी में रहता था पीड़ित परिवार। ग्रामीणों के बीच प्रशासन के खिलाफ भारी आक्रोश। घटना स्थल पर एसपी समेत भारी पुलिस बल तैनात। कानपुर देहात के मेथा तहसील क्षेत्र के मड़ोली का मामला। सर क्या हुआ है यहाँ पे मड़ोली गांव? अब देखिए, थाना रूरा क्षेत्र अंतर्गत मड़ोली गांव में दोपहर को एसडीएम मेहता कुछ फोर्स के साथ कुछ सरकारी जमीन पर अतिक्रमण हटाने हेतु मौके पर पहुंचे थे। उसी समय पे पीछे से खेती से जो एक महिला और उनकी बेटी दोनों झुपड़ी में अंदर आए थे और अंदर बंद करके तुरंत अपने आप को, जो मौके के रूप से बताया गया है कि अपने आप को मतलब आत्माहुति की है, दोनों की मृत्यु हुई है। और उसमें हमारे तरफ से पूरी तरीके से जांच की जा रही है और जो भी जांच में निकल के आएगी, जिनका भी गलती है, सभी के ऊपर कड़ी कार्रवाई की। उनके भाई का कहना है कि प्रशासन द्वारा आग लगाई गई, क्या ऐसा कुछ? फिलहाल उनके भाई का तो यही कहना है, लेकिन नॉर्मली एंक्रोचमेंट जब हटाते हैं प्रशासन के तरफ से वीडियोग्राफी वगैरह भी होती है, तो हमने उनसे सारे वीडियो वगैरह मंगवा लिए हैं, अभी तक नहीं आए। जब आ जाए उसको देखेंगे, अगर उसमें वो पता ही चल जाएगा, अगर जिनका भी गलती है उसके आधार पर हम लोग विधिक राय मतलब विधिक कार्रवाई करते हुए कड़ी कार्रवाई करेंगे। गांव में शांतिपूर्ण है? शांतिपूर्वक व्यवस्था है, आप देख सकते हैं, और गांव वाले बहुत सहयोगता कर रहे हैं और फिलहाल स्थिति बिल्कुल सामान्य है। थोड़ा सा आक्रोशित तो है ही क्योंकि दुखद घटना हुई है, लेकिन बिल्कुल स्थिति सामान्य है और हमें मौके पर हूँ और बाकी सक्षम अधिकारी मेरे जितने भी हैं सभी मौके पर। कोई लेखपाल भी है ऐसी सूचना है? थोड़ा सा अभी सूचना हमें मिली कि जो लेखपाल जो आए थे एसडीएम मेहता के साथ, वो उनका भी थोड़ा सा वो भी चोट लगी है उनको, और एसओ जो रूरा है वो आए थे, उनको भी इनके बचाने हेतु जब अपना व्यवस्था कर रहा है तो उनके हाथ थोड़ा सा जले और उनका भी चिकित्सा हो रही है। मतलब पुलिस ने बचाने की कोशिश की? हाँ बिल्कुल, एसओ रूरा ने बचाने की कोशिश की और उनके हाथ जले और उनके पैर पहुँचे।